बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सईद शहरयार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइज। आज मैं लेटा हुआ हूँ, लेट के वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि थका हुआ बहुत हूँ। मैंने कहा जवाब तो मिलेगा भाई। ये बबीता रानी जो उल्लू की पटी है, नाचने वाली, जो घटिया तरीन औरतों में से एक है उस जगह जहाँ वो रहते हैं, अभी लाइव में बैठी हुई भौंक रही है पाकिस्तानी हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ और ये नहीं हूँ वो नहीं हूँ, और पाकिस्तान हिंदुस्तान करना शुरू हो जाते हैं। वो उल्लू गधी और कोई बेअकली किसी बद नस्ल की औलाद, मूत 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 और मूत के अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, मूत खा के ही पैदा हुई है, वो मूत पी के पैदा हुई है, मूत से नहा के पैदा हुई है, हर चीज़ में ये पूरी जो है ना, ये जितने भी हैं जो पाकिस्तान को मूत की धमकियाँ देते हैं, मैं मुँह से इतना गंदा जवाब दूंगा ना कि सर तुम्हारे कभी दोबारा मौत की ये दें, जो भी बकवास करता है ये करना बंद कर दोगे। और क्या कह रही है, औरत की कमाई, पाकिस्तानी को बोले औरत की कमाई, वो कौन है लप्पू, कौन है, हैं तुम्हारा जो लप्पू है औरत की कमाई खा के तो उसकी ये हालत हुई है ना, उसके अपने अंदर क्या दम था, नाचने वाली, बोलना आता नहीं है बिल्कुल, ऐसे अचानक पै पटे टे 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 पे पता नहीं क्या बोलती है, एक तो कद्दू गुदो गुदा उदे बुदे गदे आ नचता बुदा बुदा, पता नहीं क्या कुछ निकल रहा है मुंह से, जो आ रहा है वो बोल रही है, ना शर्म ना हया। यूट्यूब चैनल बना लियो तो कागू ना कर दियो, अबे यूट्यूब चैनल बना, गुनाह नहीं किया तू कर, ठीक नाच तू जो कर तेरे तेरी मर्जी, पाकिस्तान के खिलाफ भौंकना बंद कर दे, वो जो चार बच्चे तू लेके बैठी थे कुतिया वो वापस कर, बरसात में जैसे कुत्ते की हालत होती है ना इस वक्त तुम लोगों की, वो हालत हो रही है भौंकने का हर वक्त, पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, हम लोग कोई भी पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं कर रहे, लेकिन ये मुसलसल सचिन के घर आने वाले इंक्लूडिंग सीमा हैदर, ये मुसलसल पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं और इनके सपोर्टर। अगर आप पाकिस्तानियों ने जवाब दे दिए ना तो ये याद रखना, इस ये लोग कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुझे तो ये भी पता है ये लोग हिंदुस्तानी भी नहीं है, साले नेपाली, तुम लोगों को क्या पता, तुम लोग हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान हिंदुस्तान कर रहे हो, पाकिस्तान कर रहे हो, किसी से पूछो तो चाहिए मतलब इनके बारे में कोई पता करे, ये लोग नेपाली है पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी दोनों में से नहीं है ये, और बड़े वो करते हैं हम तो हिंदुस्तानी हैं, ये इसका मकसद ये नहीं कि नेपाल वालों को बुरा कह रहे हो, नेपाल वाले बुरे नहीं है, लेकिन सचिन की पूरी फैमिली नेपाली है। ये हमें काफ़ी दिन पहले, कई महीने, जब ये सीमा हैदर कुछ 6 महीने हुए थे तब का ये वाक़या है कि ये लोग नेपाली हैं, किसी ने तो ये भी कहा कि ये लोग मुसलमान हैं। अब तो मुझे ये लगता है ये झूठी, इन लोगों को किसी को पूजाएं आती ही नहीं है, आप लोग खुद देख लो, ये सचिन और ये पूरे फैमिली किसी को पूजा का कुछ भी नहीं आता, इन लोग की आप हालतें देख लो, वो कहते ये लोग मुसलमान हैं, हमने यकीन नहीं किया, लेकिन हकीकत यही है कि ये लोग भी मुसलमान ही हैं, और ये अपने ये इन दोनों फैमिलीज को फंसा के रखा हुआ है, पता नहीं किस वजह से क्या किया हुआ है, लेकिन आप लोग ये देख लीजिएगा, ना इन लोगों को पूजा करना आती है, ना इन लोगों को कोई रीत रस्म वगैरह कुछ भी आता है, ठीक है, ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे और कुछ नहीं है। अब आप देखिएगा इसके ऊपर भी मिर्चें लगेंगी, और लोगों को इसके ऊपर तो मिर्चें लगती हैं ना, जिन जिन ख़ास तौर पे हमारे जो पाकिस्तान के हमारे अपने भाई बहन हैं ना, जिनको इस चीज़ से चिढ़ होती है, तो उन लोगों को कहूँगा अगर कभी घर से बाहर निकलते हो ना तो पता होना चाहिए क्या चीज़ होती है, आई समझ। सीमा सचिन कौन सा उसको सपोर्ट करे, बड़ा तो बहुत अच्छा काम करती है कि खिला रही हूँ पिला रही हूँ, इसलिए खिला रही पिला रही है क्योंकि बच्चों को कुछ हो गया है ना तो तेरी गर्दन मारी जाएगी, ये क्या कहूँ वो क्या कहूँ, यूट्यूब खोलियो, मैंने यूट्यूब चला दी, मैंने क्या बुरा कर रही हूँ, अबे पहले तुम लोग बोलना तो सीख लो, पता नहीं कौन सी एंशियंट कोई लैंग्वेज तुम लोगों की है, समझ में नहीं आता कि मुंह से निकल क्या रहा है, बोल क्या रहे हैं, एक्सप्रेशंस क्या जा रहे हैं, ना बोलना आता है ना कुछ, वो बस सिर्फ नाच लो लाइव में बैठ के ही कर लो, और वो एक ड्रैगन के मुंह वाली जो वीनस वो नहीं होता प्लांट,
वीनस प्लांट की तरह, जो कार्टून में आप देखते हैं ऐसे दांतों वाला, अंजलि पंजलि। सोच रहे कि बहुत बड़ा मार्का कर लिया है, फतह कर लिया है भाई। देखो मुझे नहीं पता केस के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं इतना देख रहा हूं कि सचिन, सचिन की पूरी फैमिली इंक्लूडिंग सीमा हैदर और इनके सपोर्टर्स, खास तौर पे वो उल्लू का पट्टा जो मास्क लगाकर आता है बेगरत। और एक और, मैं मुझे याद है मैंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को कहा था, जो हमारी बहनें बाहर बैठी हुई हैं, नहीं, हमने तो इनके माइंड वो कर दिए, ये कर दिए, ये देखो इनके माइंड कभी भी आप नहीं चेंज कर सकते। पीठ पे छुरा मारना था इन लोगों ने, मार दिया। मैं शुरू दिन से कह रहा था ये जो बैठे ना दोनों, जो जिनके औकात नहीं है कि अपने शक्लें दिखा सकें, पाकिस्तान के खिलाफ भौंकते भौंकते नोकी हालत हो गई, इसीलिए नहीं दिखाए थे ताकि लोग पहचान ना लें कि ये भंगी कौन है। दोनों के दोनों भंगी, और आते थे बड़े वो ज्ञान देने के लिए, हमें ज्ञान दे रहे हैं साले। वो कानून अपने मुल्क का झूठा बताने वाले ये दोनों, चचा तो गया जेल में, ये दोनों तरीके से खेल रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी को टारगेट किया है, हालांकि इन्होंने इंडियन को भी टारगेट किया था। इनको पता है कि हम इंडियन बहनों की को टारगेट करेंगे तो मोमिन मलिक हम पे केस कर देगा, इसलिए पाकिस्तानी को कहो, क्योंकि पाकिस्तानी की तो कोई इज्जत ही नहीं है ना। खैर हमें तुम लोगों के भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात याद रखना, ये जो बबीता और ये कुत्ते के बच्चे, और मैं पाकिस्तान से भी कहता हूँ क्यों जाते हो कि ये चैनलों के ऊपर तुम लोग यार हैं। हम लोग यूट्यूबर्स का काम है कि हम जाके देखें ठीक है कहाँ क्या चल रहा है। आप लोग नहीं जाया करो, क्यों अपने टाइम जाया कर रहे हो? अगर ज़्यादा ही आप लोग के पास डाटा है ना तो हमारे वीडियोस देख लिया करो। शेयर आप लोग एक भी नहीं करते हमारी वीडियो, फिर कहते हो कि शरिया भाई आपकी वीडियोस अच्छी लगती है, पता नहीं कहाँ से अच्छी लगती हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, रात को अगर टाइम मिला तो मिलेंगे भाई। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।